इस वीडियो में हमने कवर करे हैं उत्तराखंड के 7 मोस्ट रिकमेंडेड ट्रैक्स। नंबर 7, वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर वन ऑफ द बेस्ट मानसून ट्रैक माना जाता है। ये ट्रैक चमोली जिले के गोविंद घाट से शुरू होता है और लगभग 20 किलोमीटर लंबा है। इस यात्रा में आपको रंग बिरंगे फूलों से भरी घाटियाँ, हरी भरी वादियाँ और खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये ट्रैक 5 से 6 दिन में पूरा हो जाता है और यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है जुलाई से सितंबर, जब घाटियाँ अपने फूलों की पूरी खूबसूरती के साथ खिली दिखती हैं। और इस ट्रैक की खासियत ये है कि ये ट्रैक एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नंबर 6, दियारा बुग्याल। दियारा बुग्याल। उत्तरकाशी जिले में स्थित ये ट्रैक लगभग 23 किलोमीटर लंबा है। इस ट्रैक की शुरुआत रैथल गांव से होती है, जहां से आप हरे भरे बुग्यालों और हिमालय की खूबसूरत चोटियों का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। यह ट्रैक 4 से 5 दिन में पूरा हो जाता है और यहां आने का सबसे अच्छा समय है मई से अक्टूबर, जब बुग्याल हरे भरे हों। इस ट्रैक की खासियत है यहां से दिखने वाली बंदरपूंछ और स्वर्गारोहिणी जैसी पीक्स। नंबर 5, रूपकुंड। रूपकुंड झील उत्तराखंड हिमालय की एक बहुत ही अनोखी झील है। चमोली जिले के लोहागंज गांव से शुरू होने वाला ये ट्रैक लगभग 53 किलोमीटर लंबा है। इस यात्रा में आपको बर्फ़ से ढकी चोटियां, ग्लेशियर और रहस्यमय रूपकुंड झील देखने को मिलेगी। इस ट्रैक को पूरा करने के लिए आपको 7 से 8 दिन का समय लगेगा और इस ट्रैक को करने का सबसे अच्छा टाइम है जून से सितंबर, जब बर्फ़ पिघल जाती है और रास्ते साफ हो जाते हैं। और इस ट्रैक की खासियत ये है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एशिया का लार्जेस्ट बुग्याल, अली बेदनी बुग्याल। तो अगर आप इनमें से कोई सा भी ट्रैक करना चाहते हैं तो फॉलो करिए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को और आपको हर ट्रैक पे मिलेगा स्पेशल 30% डिस्काउंट। नंबर 4, गौमुख तपोवन। गौमुख तपोवन उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री में शुरू होने वाला ये ट्रैक लगभग 46 किलोमीटर लंबा है। इस यात्रा में आपको ग्लेशियर, नदियाँ, घाटियाँ, भागीरथी मैसिफ और माउंट शिवलिंग जैसे अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये ट्रैक 4 से 5 दिन में पूरा हो जाता है और यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है मई से जून और सितंबर से अक्टूबर, जब मौसम साफ रहता है। और इस ट्रैक की खासियत ये है कि ये ट्रैक माँ गंगा का उद्गम स्थल भी है। नंबर 3, रुद्रनाथ। रुद्रनाथ पंचकेदारों में से एक ऐसा केदार जिसको कि वर्ल्ड्स टफेस्ट केदार भी कहा जाता है। यह ट्रैक चमोली जिले के सगर गांव से शुरू होता है और लगभग 20 किलोमीटर लंबा है। इस यात्रा में आपको ऊंचे ऊंचे बुग्याल, घने जंगलों और हिमालय की शानदार चोटियों के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे। यह ट्रैक 5 से 6 दिन में पूरा हो जाता है और यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है मई से अक्टूबर, जब पहाड़ों की सुंदरता और मौसम का मज़ा दोनों अपनी चरम सीमा पर हों। नंबर 2, केदारकांठा। केदारकांठा उत्तराखंड का वन ऑफ द बेस्ट विंटर ट्रैक है। उत्तरकाशी जिले के सांकरी से शुरू होने वाला ये ट्रैक लगभग 20 किलोमीटर लंबा है। यहाँ आपको बर्फ़ से ढके पहाड़, घने जंगल और बुग्याल देखने को मिलेंगे। ये ट्रैक 5 से 6 दिन में पूरा हो जाता है और यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है दिसंबर से अप्रैल, जब पहाड़ पूरी तरीके से बर्फ़ से ढके हों। और इस ट्रैक की खासियत ये है कि यहाँ से आपको देखने को मिलेगा हिमालय का 360 व्यू। नंबर 1, हर की दून। हर की दून उत्तराखंड हिमालय का वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रैक माना जाता है। उत्तरकाशी जिले के सांकरी से शुरू होने वाला ये ट्रैक लगभग 48 किलोमीटर लंबा है। यहाँ आपको हरे भरे जंगल, खूबसूरत गांव और स्वर्गारोहिणी जैसी पीक्स देखने को मिलेंगी। यह ट्रैक 6 से 7 दिन में पूरा हो जाता है और यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर, जब मौसम साफ हो। और इस ट्रैक की खासियत ये है कि यहाँ आपको देखने को मिलेंगे हज़ारों साल पुराने ऐतिहासिक गांव और यहाँ का रिच कल्चर। नंबर 2,